नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां हम डिस्कस करते हैं एडवांस एक्सेल। तो दोस्तों, एक क्वेश्चन पूछे गए थे, उसी क्वेश्चन के रिप्लाई पे हम आपको एक बताते हैं। ये हमारे एक व्यूअर है, उन्होंने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि उनको उनके पास एक रिजल्ट शीट है, उनके पास एक रिजल्ट शीट है जिसमें नेम पर्सन ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट्स और नेम ऑफ द एग्जाम है। तो इनको यहाँ जो टोटल चाहिए, वो टोटल ऐसा नहीं कि उनको सम चाहिए, वो ऐसा वो सम नहीं चाहते हैं। वो चाहते हैं कि इसमें से जो सबसे लास्ट एग्जाम है वो चाहिए। जैसे ये 13 है तो 13 चाहिए। अब जरूरी नहीं कि लास्ट इसी में होगा, हो सकता है कि लास्ट यहाँ, या हो सकता है कि लास्ट यहाँ हो, या हो सकता है कि लास्ट यहाँ। तो लास्ट चाहिए उनका। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, इंडेक्स का फॉर्मूला लगाया, क्योंकि नॉर्मल फॉर्मूला तो होगा नहीं, एरे से होगा। रो नंबर हमने 1 दे दिया और हम यहाँ पे इफ कंडीशंस लगाते हैं कि इफ इसमें से जो जो वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि तो फिल होनी चाहिए ना, उसका कॉलम्स कॉलम्स पता होना चाहिए, और इसमें से -1 भी कर देते हैं। और फिर हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे तो नहीं, सॉरी, और ये हमारा मैक्स लगेगा, मैक्स। हाँ, कंट्रोल शिफ्ट एंटर, अब रिजल्ट आया 13। और हम इसको नीचे की तरफ ड्रैग करते हैं तो देखिए हमारा रिजल्ट आएगा 74, 24, 11, 21, 86। सबसे लास्ट नंबर यहां निकाल के दे दिया। अरे फॉर्मूला वर्क कैसे करता है देखिए, सबसे पहले एरे फॉर्मूला है तो हमें कंट्रोल शिफ्ट एंटर मारने पड़ेंगे। सबसे पहले जो हमारा ए पूरा का पूरा ए है, डेटा है, उसको लेता है और चेक करता है कि कौन सा ग्रेटर देन 16, ग्रेटर देन 20, मतलब ग्रेटर देन 0 है, माफ कीजिए, ग्रेटर देन 0 है। जहां जहां ग्रेटर देन 0 है उसका कॉलर नंबर लेता है और कॉलर नंबर के सब माइनस करता है, क्योंकि कि कॉलर नंबर 2 से स्टार्ट है ना, हमें 1 से स्टार्ट करना, क्योंकि इंडेक्स तो 1 से काउंट करता है ना, इसलिए मैंने -1 कर दिया मैंने। और फिर जहां जहां ट्रू है वहां वहां उसको फिल कर देता है, और मैक्सिमम इसमें से मैक्सिमम नंबर देता है, जो हाईएस्ट नंबर है वो हाईएस्ट नंबर देता है। और फिर इंडेक्स को रो मिल गया, कॉलम मिल गया, उसको डेटा। सिंपल सा मेथड है जो हमने हमने इसका यूज किया है। और इसी तरह से और भी बहुत सारे वीडियोस के लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जा सकते हैं, या फिर आप यूट्यूब के सर्च पेज पे आईपीटी इंडिया को सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे ढूंढना है तो आप मुझे आईपीटी इंडिया के ऐसे आईपीटी इंडिया सर्च कर सकते हैं यूट्यूब पे, तो मेरे सारे वीडियोज आपको मिल जाएंगे। मैंने 2033 वीडियोज अपलोड कर रखे हैं जो कि एक्सेल्स और एमआईएस से रिलेटेड है। यहाँ पे मेरे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन ऑन कर लेंगे, तो नोटिफिकेशन भी आपको आती रहेगी। सबसे अच्छा रहेगा कि आप चैनल ही सब्सक्राइब कर लें मेरे वीडियोस के लिए। अब हमारी ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं, या फिर मेरी मुझे कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।